भारतीय काल गणना, हमने भारतीय काल गणना को विदेशी परंपरा में बिल्कुल डुबो दिया। भारतीय काल गणना और विदेशी परंपरा में डुबो दिया, इसका मतलब क्या? हम अब अपने समय की गिनती करते हैं अंग्रेजों के पद्धति से या अंग्रेजियत की पद्धति से। हम समय को गिनते हैं सेकंड में, हम समय को गिनते हैं मिनट में, हम समय को गिनते हैं आवर्स में, या हम समय को गिनते हैं मंथ्स में, या वीकेंड में, या फोर्टनाइट में, या ईयरली, जो भी गिन रहे हैं, ये सब अंग्रेजों वाले तरीके से और अंग्रेजी पद्धति से। भारतीय पद्धति से भी समय की गणना होती रही है, ये सामान्य लोगों की बुद्धि और विचार में से ही निकल गया। जनवरी गिनते हैं, फरवरी गिनते हैं, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरी की पूरी अंग्रेजियत की पद्धति है, विदेशी पद्धति है। हम भूल गए हैं, सामान्य रूप से आज की पढ़ाई में से पढ़कर निकलने वाले विद्यार्थियों को चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, कार्तिक, ये महीने याद नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च सबको याद, घरों में कैलेंडर भी ये जनवरी, फरवरी, मार्च के ही हैं। और इसको ज्यादा लोग कहते हैं कि बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है, मेरे समझ में नहीं आया। रोमन में कुछ शब्द होते हैं जिनको इस्तेमाल किया गया है जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए। अब इसमें जरा उल्टी बात करें, दिसंबर है, नवंबर है, अक्टूबर है, सितंबर है। सितंबर एक रोमन शब्द से आया, सेप्ट, SEPT, सेप्ट, सेप्ट माने होता सात, तो उसमें से सितंबर आया। ऑक्ट, OCT, ऑक्ट है माने आठ, उसमें से अक्टूबर आया। और ये नवम का जो NOV है ना, ये जो है ना नाइन है, और दिसंबर का दस है। अब अगर आप देखेंगे वास्तव में तो सितंबर सातवां महीना होना चाहिए रोमन के हिसाब से, और इन्होंने नकल की अंग्रेजों ने रोमन लोगों की, तो सितंबर बनाया। तो सितंबर सातवां महीना होना चाहिए, कौन सा है? नौवा है। अक्टूबर आठवां महीना होना चाहिए, कौन सा है? दसवां है। नवंबर नौवा महीना होना चाहिए, कौन सा है? ग्यारहवां है। दिसंबर दसवां महीना होना चाहिए, कौन सा है? बारहवां है। कितनी अवैज्ञानिक पद्धति है महीने के गणना की, और इसका कोई अर्थ भी नहीं है। जितने भी अंग्रेज विद्वानों से पूछा जाए जनवरी का क्या अर्थ है, फरवरी का क्या अर्थ है, मार्च का क्या अर्थ है, अप्रैल का क्या अर्थ है, ये शब्द के पीछे की कोई गहराई है क्या, इसकी कोई व्याख्या है क्या? कुछ नहीं है। और हमारे यहां हर महीने के नाम का एक विशेष अर्थ है और उसके पीछे एक लंबी व्याख्या है, वो चाहे कार्तिक हो, चाहे भाद्रपद हो, चाहे सावन का महीना हो, श्रावणी हो, कोई भी महीना है, उसके पीछे एक विशेष विश्लेषण है और एक लंबा उसके पीछे आधार है। अगर मैं उस विषय में जाऊंगा बहुत समय खराब हो जाएगा, लेकिन अभी संकेत मात्र में कह रहा हूं कि भारतीय गणना के हिसाब से महीनों के जो नाम तय किए गए हैं ये विशेष अर्थ वाले हैं। अंग्रेजी पद्धति से जो हम नामकरण करते कोई अर्थ ही नहीं है और कोई बताता भी नहीं है उनके बारे में। और वर्षों वर्षों तक आपको मालूम है यूरोप और अमेरिका में झगड़ा होता रहा 25 दिसंबर से नया साल शुरू हो, और काफी दिनों तक वो चलता रहा। फिर झगड़े के बाद बदल के 1 जनवरी से नया साल शुरू होना बताया गया। अब 1 जनवरी से उनके यहां नया साल शुरू होता है, उसके पीछे का कारण पूछो, कुछ कारण नहीं मालूम है कि 1 जनवरी को ही नया साल क्यों होता है, 15 जनवरी को क्यों नहीं हो सकता, 20 को क्यों नहीं हो सकता, या मार्च में क्यों नहीं हो सकता, अप्रैल में क्यों नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि बहुत लंबा झगड़ा था 25 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच में, वो झगड़ा सुलझ गया, 1 जनवरी कर लिया जाएगा। 25 दिसंबर को तो फिर भी अर्थ उनके यहाँ समझ में आता है, ईसा मसीह से जुड़ा हुआ है, लेकिन 1 जनवरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता किससे जुड़ा हुआ है। और भारत में अगर हम नए वर्ष की बात करें तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में नए वर्ष मनाने की अलग अलग परंपरा है। जैसे आसाम में नया वर्ष बिहू से शुरू होता है, तो बिहू का कोई गहरा अर्थ है हमारे समाज जीवन में, हमारे राष्ट्र जीवन में। बिहू के पीछे पूरी संस्कृति है और पूरी की पूरी सभ्यता का दर्शन है, इसके लिए बिहू है और उसके साथ नए वर्ष की शुरुआत है। इसी तरह दक्षिण में हम चले जाएं तो मानते हैं कि ये दिन खास है,
ये दिन खास है, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। अब ये पश्चिम भारत में गुजरात के लोगों के लिए बहुत महत्व का दिन है दीपावली वाला, तो दीपावली के अगले दिन से वो नए वर्ष की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि व्यापार के हिसाब से वो उनका सारा हिसाब है। तो हर जगह भारत में नया वर्ष है, वो चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे आसाम का हो, गुजरात का हो, या हमारे इधर लोहड़ी होती है पंजाब में, लोहड़ी से नए वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। तो सब जगह कुछ ना कुछ विशेष आधार है और उसके पीछे पूरा दर्शन है। यूरोप और अमेरिका में तो ना कोई आधार है ना कोई दर्शन है, फिर भी हमने नकल करके 1 जनवरी को नया वर्ष मनाना शुरू कर दिया। और इस देश में ऐसा बेहूदगी वाला हिसाब किताब बन गया है कि 31 दिसंबर की रात को और 1 जनवरी की सुबह देश के मुंबई, दिल्ली, मद्रास, बेंगलोर आदि आदि बड़े शहरों में होटल बुक किए जाते हैं, रात भर पार्टियां चलती हैं, कान फोड़ू संगीत बजाया जाता है और पता नहीं क्या क्या सब व्यवचार किया जाता है। वो नए वर्ष मनाने का हमने पूरा नकल करके पश्चिम से या यूरोप अमेरिका से अपने जीवन में बसा लिया। हमारे यहाँ के जो क्षेत्र के हिसाब से और हमारे देश के जाति समूहों के हिसाब से नए वर्ष के जो गणन थे या जो उनकी गणनाएं थी, वो सब हम भूलते चले गए और सब कुछ हम डूबते चले गए विदेश से आए हुए इस दर्शन में। इसी में और मुझे ऐसा लगता है कि हमने भुला दिया कि इस देश की कालगणना पंचांग के हिसाब से जो चलती है वो प्रकृति के हिसाब से है और संपूर्ण वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ भारत में ऐसे महान महर्षि और वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने यूरोप से 1000 साल पहले कई गणनाएं की थी और वो गणनाएं सारी दुनिया में सत्य सिद्ध हुई। आपको मालूम है सारी दुनिया में कहा जाता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है। ये सबसे पहले किसने बताया? मेरे जैसा कोई भी आदमी जवाब देता है, कॉपरनिकस ने बताया। अब कॉपरनिकस अभी हुआ 400 साल पहले दुनिया में। कॉपरनिकस के जन्म के ठीक 1000 साल पहले भारतीय महर्षियों ने यह पूरी बात बता दी थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है। और पृथ्वी के घूमने का जो दर्शन है पूरा, जो उसकी व्यवस्था है, इसी में दिन होता है, इसी में रात होते हैं। दिन इतने समय का होता है, रात इतने समय की होती है, फिर दिन का बंटवारा किया, फिर रात का बंटवारा किया, और वो बंटवारा करते 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 समय को सूक्ष्मतम स्तर पर ले जाके नाप लिया और उस नाप को आगे बढ़ाते हुए पृथ्वी से सूर्य की दूरी को नाप लिया, सूर्य से चंद्रमा की दूरी को नाप लिया, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी को नाप लिया। हर दूरी को हमने सौर मंडल में नाप लिया। भारत के महर्षियों ने 1000 साल पहले, कॉपरनिकस का जिस दिन जन्म हुआ उससे ठीक 1000 साल पहले ये भारत के लोगों को पता था। लेकिन दुर्भाग्य हमारा और सारी दुनिया का कि सारी दुनिया में अभी भी यही पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि कॉपरनिकस सबसे पहला व्यक्ति था जिसने ये बात बताई कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। हुआ क्या, हम डूब गए पश्चिम से आए हुए एक विचार में और सूचना में। हमने अपने जीवन में ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या कॉपरनिकस के पहले भारत में भी ऐसी बात कहने वाले कोई लोग थे या लिखने वाले लोग थे, और बहुत ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति से गणना करने वाले लोग थे इस देश में। तो समय की गणना, काल की गणना, पंचांग की गणना और उसके हिसाब से दिन और रात की गणना, उसके हिसाब से सप्ताह की गणना, ये सब कुछ भारत से निकलकर दुनिया में गया। मुझे बहुत खुशी हुई जिस दिन पहली बार मुझे पता चला कि ये जो सप्ताह का वर्ण क्रम है, सप्ताह का रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, ये सबसे पहले वर्गीकरण भारत में हुआ और उसके बाद यूरोप ने संडे, मंडे, ट्यूसडे इसमें से नकल करके बनाया। और उन्होंने नकल की तो वैसी की वैसी ही कर ली। हमारा रविवार था तो उन्होंने संडे कर लिया, हमारा सोमवार था उसको मूनडे, तो मूनडे को मंडे कर लिया, हमारा मंगलवार था उसको ट्यूसडे कर लिया। उसमें उन्होंने सिर्फ भाषा के स्तर पर अंतर लाया, बाकी कहीं कोई अंतर नहीं है, वही है सारा का सारा गणना। और उसके बाद 30 दिन का महीना होगा और एक
चार साल में एक महीना 28 दिन का होगा और फिर अगले चार साल के बाद ही वही महीना आएगा। ये गणना भी सबसे पहले भारत से गई और यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसको वैसे का वैसा ही ले लिया। सूर्य की दूरी जो उन्होंने निकाली यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, उसमें एक इंच का भी फर्क नहीं है हजार वर्ष पूर्व जो भारतीय महर्षियों ने निकाल के दे दी, एक इंच का भी अंतर उसमें नहीं है। चंद्रमा की दूरी सूर्य से और चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से जो भारतीय महर्षियों ने निकाली कॉपरनिकस से हजार साल पहले, उसमें भी कोई अंतर नहीं है आज की जो दूरी उन्होंने निकाली है। इसका माने काल गणना में या दूरी की गणना में भारतीय विज्ञान का कोई दुनिया में सानी नहीं है, कोई उसके बराबर नहीं ठहरता। अभी यूरोप ने तो सबसे छोटी जो काल की गणना की है ना, वो सेकंड है और सेकंड का नैनो सेकंड है, नैनो सेकंड से नीचे उनके यहां काल की कोई गणना नहीं है। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी, भारत में नैनो सेकंड से भी कम की काल की गणना है, नैनो सेकंड से भी नीचे, वो क्षण है, वो पल है, निमिष है। हमारे वैदिक साहित्य में क्षण का, पल का, निमिष का जो वर्णन है वो नैनो सेकंड से भी नीचे वाले काल में आता है। इतने सूक्ष्म काल की गणना हमारे देश में है। और यूरोप में और अमेरिका में काल की अधिकतम जो गणना है वो बिलियन में है और बिलियन के बाद ट्रिलियन में है। वो मिलियन पहले शुरू करते हैं, फिर मिलियन के बाद बिलियन शुरू करते हैं और बिलियन के बाद ट्रिलियन शुरू करते हैं। ट्रिलियन में माना जाता है बिलियंस बिलियन है, माने थाउजेंड बिलियन ट्रिलियन को मानते हैं, और बिलियन में वो मिलियंस के मिलियन को मानते हैं। तो ये गणना उनकी है। लेकिन जब भारत की काल गणना को वैदिक साहित्य में से निकाल कर मैंने समझने की कोशिश की तो उससे तो कई गुना ज्यादा हमारे कैलकुलेशन है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको एक सरल सी जानकारी दूं, हमारे भारत में कलयुग की बात होती है, द्वापर की बात होती है, त्रेता की बात होती है, सतयुग की बात होती है, ये कल्पना तो यूरोप में किसी को है ही नहीं। कलयुग 4,32,000 साल का है, द्वापर 8,64,000 साल का है, फिर त्रेता हमारे यहाँ 12,96,000 साल का है और सतयुग हमारे यहाँ 17,28,000 साल का है। ये चारों युगों को जोड़ दिया जाए तो चतुर्युग बन जाता है, ये 43,20,000 साल का होता है और 71 चतुर्युग का एक मन्वंतर हो जाता है जो 30,67,20,000 साल का होता है। और एक चतुर्युग जो है ना वो ब्रह्मा जी का एक दिन है और एक चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक रात है। इतने लंबे कैलकुलेशन करोड़ों करोड़ों साल के, और हमारे मन में कितना वो रच बस गया है काल की गणना का कि अक्सर यहाँ यज्ञ होता है, उस यज्ञ में संकल्प पढ़ा जाता है और वो संकल्प भारत में हजारों हजारों लाखों लाखों लोग सामान्य रूप से पढ़ते रहे हैं। वो सारा संकल्प अगर ध्यान देंगे तो काल की गणना ही है। कान में जो शब्द पढ़ते हैं वो सारे के सारे काल की गणना के ही शब्द हैं। तो संकल्प बोला जाता है यज्ञ के समय, और यज्ञ करना इस देश में हजारों वर्षों तक सामान्य लोगों की दिनचर्या में शामिल रहा है। तो हजारों वर्षों तक सामान्य लोग दिनचर्या में संकल्प बोलते रहे हैं, माने काल की गणना करते रहे हैं, क्षेत्र की गणना करते रहे, स्थान की गणना करते रहे। क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं तो स्थान का नाम होता है, क्षेत्र का नाम होता है, राज्य का नाम होता है, फिर देश का नाम होता है, फिर शायद सारी दुनिया में देश का एक छोटा सा हिस्सा है उसका नाम होता। तो ये सब कुछ हमारे यहां सामान्य रूप से हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहा हो। अब उस देश में सामान्य रूप से हर व्यक्ति के लिए जनवरी फरवरी मार्च तक सीमित हो जाए सारा समय गणना, या जनवरी फरवरी मार्च के बाद उनका फोर्टनाइट और वीक में सिमट जाए, तो ये बहुत दर्दनाक और अफसोस की बात है।